कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। देखिए ये तिल मावा मिठाई और ये कैसे बनी है, क्या क्या सामान चाहिए। बहुत ही कम सामान में ये मिठाई बन गई है, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और देखते रहिए ये मिठाई कैसे बनती है। और सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, न्यू व्यूअर्स का भी और ओल्ड व्यूअर्स का भी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल मावा स्वीट। और सर्दियों में तिल बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, गर्म होते हैं, सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। और जिनको ठंड ज़्यादा लगती है, बच्चों को भी इनको खिला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर्दी में बच्चों को नहीं खिला सकते, और बच्चे भी खुश होकर के खाते हैं। चलिए मावा लिया, मावा को हम क्रश कर लेते हैं। और ये करारा है मेरा, करारा थोड़ा सा मोटा होता है। और कैसे बनता है, ये चीनी से ही बनता है, लेकिन इसका प्रोसेस अलग है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कुरकुरा दानेदार अच्छा आता है। इंस्टेंट भी हम करारा स्वीट के साथ बना सकते हैं। और इसको हम बनाते हैं, क्रश कर लेते हैं और तिल को थोड़ा सा हम भून लेंगे विदाउट घी। इसमें घी का कोई यूज़ नहीं है। मावा बाजार से लीजिए चाहे घर का बनाइए, वो आपके मर्जी। बहुत तरीके होते हैं मावा का टेस्ट लाने के लिए। घर में दूध से भी स्वीट बनाई जाती है। अब तिल को भून लेते हैं, गैस ऑफ कर लिए। तिल को हम ज़्यादा कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्का हल्का इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तिल हमारे हो गए, थोड़ा सा चटक गए, सर्दी में तो वैसे भी महत्व होता है तिल का। अब इसको हम निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में, ये ठंडा हो जाएगा। इसमें हम मावा भून लेते हैं, इसी कढ़ाई में हम मावा को भून लेंगे हल्का सा। अब मीडियम फ्लेम रखनी है। मावा भून गया, इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसमें से थोड़ा सा तिल हम अलग से रख लेंगे ऊपर से लगाने के लिए मिठाई में। और इसको बाकी कटोरी से बसा लेंगे। इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, ज़्यादा बारीक चाहिए तो मिक्सी में कर लो। बस अब तेल इसमें मिक्स कर देंगे। ये सब काम गैस पर नहीं करना है, गैस से कढ़ाई हटा लिए उसके बाद करना है। यही गलती लोग करते हैं, वो गैस पर ही करते रहते हैं तो का बहुत वो फिर मिठाई अच्छे से टाइम पर नहीं बनती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अभी खोया भी हमारा पूरा ठंडा नहीं, हल्का निभाया सा रहे तो, लेकिन ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए। कढ़ाई भी मेरी ठंडी हो चुकी है, हम इसको आसानी से पकड़ सकते हैं। पकड़ने लायक हो जाए तो उसके बाद ही ये प्रोसेस करना है। जितनी शुगर आपको चाहिए, जितना मीठा आपको चाहिए उतना आप कर लीजिए। वैसे मैंने कम ही लिया, बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता मावे में। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, कोई बात नहीं, मावे में हल्का मीठा ही अच्छा लगता है। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा आप। अब इसको बसल लेते हैं, थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ एक प्लेट को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं ताकि नीचे चिपके ना, इजीली हमारा ये सेट हो जाए और इसको हम पीसेस में कट कर सकें। हाफ प्लेट में ही आ जाएगा, मोटा पतला जैसे भी रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है क्योंकि ठंड का मौसम है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। गर्मी में तो इसी में 2-2.5 घंटा लग जाएगा और ये हमारी 10-15 मिनट में ही सेट हो जाती है। साथ के साथ भी सेट हो जाती है क्योंकि ठंडा सब कुछ हो चुका है। अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, देखते रहिए वो पूरा, बिल्कुल भी आँख बंद नहीं करनी है। और जो नए व्यूअर्स हैं वो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम से मिल सके और वो आपकी मिस ना हो। और ओल्ड मेंबर्स फुल वॉच कीजिएगा साथ साथ और सपोर्ट करते रहिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेट हो गई है, इसको हम मन चाहे आकार में हम कटिंग कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी सेट हो जाती है ये, इसमें 10 मिनट मुश्किल से लगते हैं सर्दी के मौसम में। और जितने मर्जी साइज आप कट करें,
ये हमारी सेट हो गई है, अभी नरम है मुलायम है और अच्छे से टाइट हो जाएगी। ये अभी 10 मिनट बाद क्या है, ये ज़्यादा ठंडा नहीं किया है, 10 मिनट के बाद की ये स्वीट है। थोड़ी ये तिल हम ऊपर से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही कम सामान में ये हमारी मिठाई रेडी हो जाती है। और इसमें कोई फ्लेवर आप डालना चाहें इलायची का वो डाल सकते हैं। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब करते जाइएगा।